ठीक है चलो, ब्लैक बॉडी। अब देखो एक ब्लैक बॉडी है, वो 1227 डिग्री सेल्सियस पे रेडिएशन इमिट करती है विद मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 227 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व। हम सबको पता है कि मैं आपको बार बार ये कहानी बताया हूँ कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो वो क्या करती है, वो एनर्जी रेडिएट करती है और उसके पास अलग अलग टाइप के वेवलेंथ है, लेकिन एक BIP वेवलेंथ है, एक ऐसा वेवलेंथ है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। जैसे लोग तो हमारे देश में बहुत हैं, पर PM जो है नरेंद्र मोदी जो है वो मान लो कि वो उनकी एक यूनिक पहचान है। तो वैसे ही बहुत सारा रेडिएशन है, हर एक के पास अपनी अपनी कुछ एनर्जी है, लेकिन एक स्पेशल वाला है, ठीक है, एक BIP है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो वो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो उसमें जो वेव उसमें वो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, विंस लॉ क्या देता है, विंस लॉ वही तो देता है भाई। विंस लॉ जो है लैम्डा मैक्स इज B/T, यही तो विंस लॉ है। ठीक है, उस मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर में इनवर्स में रिलेशन होता है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो वेवलेंथ है वो घटेगा। ठीक है चलो, तो ये अब जो है इनवर्स रिलेशन है, तो पहले जो है वो टेम्परेचर इतना था और बाद में टेम्परेचर आप बढ़ा दिए और वेवलेंथ पहले 5000 था तो अब घट गया होगा, ये कभी सही नहीं हो सकता। और 50-50 हम सक्सेस हो गए, या तो बी सही या तो ये सही है। ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट अब कौन सा सही है एक्चुअली निकाल लेते हैं। तो मान लो लैम्डा मैक्स टू इज इक्वल टू पहले लैम्डा मैक्स वन विंस लॉ से दैट इज इनवर्स में, तो टेम्परेचर T1 अपॉन टेम्परेचर T2 दैट इज लैम्डा मैक्स टू की जो वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा मैक्स टू की वैल्यू आ जाएगी वो टेम्परेचर T1 की वैल्यू डालो। T1 कितना था यार, T1 देखो पहले टेम्परेचर कितना था, 1227 मतलब 15 डिग्री सेल्सियस में था, तो ये आ जाएगा 1500 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा वन कितना था 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और बाद में टेम्परेचर 273 डे जोड़ दो तो यह जाएगा 2500। ठीक है, तो जीरो ने दो जीरो को और 5 और ये 3 मतलब यह आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना।